इस सीरियल कसम तेरे प्यार की में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया, जहां आप सभी ने देखा कि ऋषि शादी को बीच में ही रुकवा देता है और वो ये सब करता ऐसे है कि एके तनुजा की मांग भर रहा होता है, तभी वहां पहुंच जाता है ऋषि और वो बीच में ही शादी को रुकवा देता है। लेकिन उससे पहले ही फेरे तो हो चुके होते हैं, लेकिन ऋषि वहां पहुंचता है वकील के साथ और वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। तब तनुजा कहती है कि ये शादी होकर रहेगी, एके तुम जल्दी से मेरी मांग भरो। तो ऋषि कहता है कि एके ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो वहीं तभी वो वकील को सामने लाता है और कहता है कि हम दोनों का डिवोर्स अभी तक हुआ ही नहीं, तो तुम शादी कैसे कर सकती हो। तनुजा कहती है कि हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है क्योंकि मैंने तो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए थे। तभी ऋषि बताता है कि वो डिवोर्स तो रिजेक्ट हो गया है। तो वहीं उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, लेकिन वो प्रूफ दिखाता है जिसके बाद सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन फिर भी तनुजा नहीं मानती। तो ऋषि सबके सामने झूठ बोलता है कि वो इनकी शादी को रोकने की बहुत पहले से कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तो झूठ है क्योंकि वो तो खुद ही वेडिंग प्लानर था। लेकिन वो अपनी बात को प्रूव कर देता है। तो वहीं वो बुलाता है पुलिस को, पुलिस आकर अरेस्ट कर लेती है तनुजा को और वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। तो वहीं जाते जाते ऋषि एके को कहता है कि तुम आगे आगे देखो होता है क्या, अब आगे तुम्हें और भी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो वहीं उसके बाद ऋषि और मनप्रीत दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी मनप्रीत उससे कहता है कि भाई तुमने तनुजा को जेल तो पहुंचा दिया, लेकिन अब उसे बाहर कैसे निकालोगे। तो ऋषि कहता है कि वो सब भी मैं कर लूंगा। तो वहीं वो कहता है कि उससे पहले कहीं एके ना निकाल ले। तो वहीं एके इस सबसे काफी टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि क्योंकि तनुजा ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई, क्योंकि तनुजा को ये बात तो पता ही होनी चाहिए कि उसका डिवोर्स हुआ है या नहीं। तो एके काफी सैड होता है जिसकी वजह से वो अकेला रहना चाहता है। तभी वहां पहुंचता है रोहित, रोहित उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एके कहता है कि तुम यहां से चले जाओ और जाकर मायरा और मासी से कहो कि अपनी पैकिंग कर ले, हम अभी लंदन निकल जाएंगे। तो वहीं उसके बाद दिखाया गया कि तनुजा जेल से छूटकर आती है, वो एके से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एके उससे बात नहीं करता। एके कहता है कि तुमने अभी तक ये शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है, जाओ और इसे निकाल दो, क्योंकि जब भी मैं इस जोड़े को देखता हूँ मुझे वो सब याद आता है जो नहीं आना चाहिए और जो मैं याद करना भी नहीं चाहता। तो अब क्या सच में एके उन्हें छोड़कर चला जाएगा और तनुजा को लौटना ही पड़ेगा ऋषि के पास? आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? कमेंट करें और ऐसे ही सीरियल से अपडेट रहने के लिए हमें करें सब्सक्राइब।